हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम राजस्थान में जो प्रथम व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रथम क्वेश्चन है कि महाराज प्रमुख कौन रहे प्रथम राजस्थान के, तो वो रहे थे महाराजा भोपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के थे। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, 7 चरणों में हुआ था, तो उनके जो यानी शुरुआत के 3 छोड़ दीजिए, बीच के जो हैं 4th, 5th, 6th जो एकीकरण हुआ था, वृहत राजस्थान, वृहत्तर राजस्थान और राजस्थान संघ, उस समय थे ये महाराज प्रमुख कौन थे? महाराजा भोपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के थे। और इन्हीं के समय यानी महाराजा भोपाल सिंह के साथ ही यानी 3 एकीकरणों में राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह दित्य, जो कि जयपुर के थे। तो क्लियर हुआ होगा कि महाराजा भोपाल सिंह जब महाराज प्रमुख थे, उस समय राज प्रमुख थे 3 योजनाओं में, कौन? मानसिंह दित्य। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन रहे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है प्रमुख न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होते हैं? न्याय करने वाले आपने देखे ही होंगे, तो एक तरह से सब कहीं भ्रष्टाचार वगैरह फैला रहता है, तो उनके लिए न्याय करने की ज़रूरत होती है। तो एक तरह से कीचड़ में क्या उगता है? कमल उगता है। तो उसी से याद रख लीजिए कि न्यायाधीश की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार वगैरह है, तो उस भ्रष्टाचार या पाप में क्या उग कर आया सामने? कमल उग कर आया। तो उसी कमल से याद रख लीजिए, कमलकांत वर्मा। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग तो उसके हैं कृष्ण कुमार गोयल। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एस के घोष। इनको एक बार आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में प्रथम कौन रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐड कर लिए हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं लेकिन मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि मैंने किसी ने किसी वीडियो में उनको बताया है, इसीलिए मैंने उनको ऐड नहीं किए हैं। तो जो हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी पुलिस महानिरीक्षक, सॉरी पुलिस महानिरीक्षक कौन है? निरीक्षक है पी बनर्जी, जो कि 1949 में बने महानिरीक्षक पी बनर्जी। और पुलिस महानिदेशक हैं रघुनाथ सिंह, 1983 में बने ये प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो थे सौरभ शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग, आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हैंग में है, कि 2 बार सदस्य रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं? नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र ICS अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री बना, वो कौन थे? CH वैक्टाचारी। ICS अधिकारी कौन सा मुख्यमंत्री रहा? CS वैक्टाचारी। नेक्स्ट है लिटिल चीफ मिनिस्टर उपनाम किसका है? टीकाराम पालीवाल का, ये इनका उपनाम है। किनका? टीकाराम पालीवाल का, लिटिल चीफ मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल। प्रथम कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे? भैरव सिंह शेखावत, 22 जून 1997 को बने ये। और प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जिनको लिटिल चीफ मिनिस्टर उपनाम भी है इनका। और भैरव सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए प्रथम 1997 को, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, कौन? भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य थे, कौन? भैरव सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश की राज्यसभा में सदस्य थे, कौन? भैरव सिंह शेखावत।
नेक्स्ट है इनका उपनाम यानी प्रदेश का, इनको भागीरथी कहा जाता है, किनको? भैरव सिंह शेखावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम साइबर क्रियोशक पार्क कहाँ पर है? तो वो काला डेरा जयपुर में। प्रथम साइबर क्रियोशक पार्क काला डेरा जयपुर में। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व बाघ परियोजना कहाँ पर है? सभी को पता होगा रणथंबोर में है ये, सवाई माधवपुर में। नेक्स्ट है कि प्रथम बिजनेस डाकघर जो कि जयपुर में है, प्रथम कैंसर अस्पताल जयपुर में, और प्रथम संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर कहाँ पर हैं? ये तीनों ही हैं जो कि राजस्थान में प्रथम रहे, यानी प्रथम बिजनेस डाकघर कहाँ पर है और कैंसर अस्पताल प्रथम और संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर, ये तीनों ही जयपुर में हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको मैंने बार बार बताया है कि सर्वाधिक कटाव, भूमि कटाव वगैरह जब भी यानी पवनों से होता है सर्वाधिक, तो पवन के बात आए तो आप जैसलमेर ध्यान में रखिए, तो पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में, स्थान कौन सा है? अमर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आदर्श लवण फार्म की स्थापना कहाँ हुई? नावा जो कि जयपुर में है, लवण फार्म की स्थापना नावा जयपुर में। नेक्स्ट है प्रथम जैविक उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट नाहरगढ़ में है ये। नेक्स्ट है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। परमाणु विद्युत ग्रह रावत भाटा कहाँ पर है? प्रथम है ये परमाणु विद्युत ग्रह जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है कि प्रथम समाचार पत्र सर्वहित कहाँ शुरू हुआ? बूंदी में 1890 को। प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? सर्वहित, और स्थान कौन सा? बूंदी। अगर आप याद न भी करें तो चलेगा, लेकिन सर्वहित प्रथम समाचार पत्र याद रखिए और बूंदी को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हिंदी ग्रंथ निर्माता और प्रथम उपन्यासकार व प्रथम पत्रकार किनको कहा जाता है? तो वो हैं लज्जाराम शर्मा, प्रथम गद निर्माता, प्रथम उपन्यासकार और प्रथम पत्रकार लज्जाराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल कुएं की खोज कहाँ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, ये तनोट में हुई है, जैसलमेर में पड़ता है ये तेल कुएं की खोज, तनोट जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला सहचालित सहकारिता सुपरमार्केट कहाँ पर? तो प्रथम कहाँ पर है? तो वो बालोतरा जो कि बाड़मेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, महिला संचालित सहकारिता सुपरमार्केट बालोतरा बाड़मेर में। 26 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। कब खुली? 2001 और 2 में। विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी याद रखिए इसको, जोधपुर में है ये। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो कि ब्यावर में है। तो सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो कि ब्यावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, चुकंदर से चीनी बनाने वाली प्रथम व एकमात्र मिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योग गंगानगर शुगर मिल है। चुकंदर से चीनी बनाने वाली प्रथम और एकमात्र मिल कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल ही दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 का, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज, अजमेर आया था कौन? सर टॉमस रो, प्रथम अंग्रेज था ये सर टॉमस रो। प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर, वेरी इंपॉर्टेंट, गिरिल गांव जो कि शिव तहसील है कहाँ पर है? ये बाड़मेर में। प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर है बाड़मेर में, गिरिल गांव में। नेक्स्ट है 31 का, इंटरनेट से जुड़ने वाली
पहली ग्राम पंचायत इंटरनेट से जो जुड़ी ग्राम पंचायत कौन सी थी? नायला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है, जो कि कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। 1956 में खुला ये कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है, जो कि श्रीगंगानगर में खुला 1956 में। नेक्स्ट है प्रथम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला, वेरी इम्पोर्टेंट, अजमेर में है ये, प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा रहा? अजमेर। 34 का क्वेश्चन है कि प्रथम एक्सप्रेस हाईवे वो है NH 8, एक्सप्रेस हाईवे प्रथम NH 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम खुला विश्वविद्यालय वो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, जो कि कोटा में खुला 29 नवंबर 1987 को। तो आप इसमें ये याद रखिए कि प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जो कि कोटा में है। डेट एक टाइम अगर आप के ध्यान नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी याद रख लीजिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ खुला। नेक्स्ट है कि प्रथम नगर पालिका कौन सी थी? आबू। प्रथम राजस्थानी फिल्म नजरानो, वेरी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, कभी भी एग्जामिनर के मन में आ जाए, दे सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है परमवीर चक्र विजेता कौन रहे? मेजर वीरू सिंह रहे 1948 को झुंझुनू में। यहाँ पर कुछ ये परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र आ रहे हैं, तो ये आप कंफ्यूज होंगे, तो परमवीर से कर लीजिए, यानी पहला ही शब्द ले लीजिए, परम यानी पीरू सिंह, परमवीर चक्र किसने लिया? परम से कर लिए जीजिए, पीरू सिंह ने लिया ये, और वीर चक्र यानी बड़ी वीरता दिखलाई जिसने, तो वो हैं अजय आहूजा। तो अजय का मतलब ही क्या होता है? जिसको कोई हरा ना सके, अजय। नेक्स्ट है अशोक चक्र विजेता, अशोक का मतलब क्या होता है? चिंता मुक्त। तो चिंता मुक्त कौन रहते थे? श्री कृष्ण रहते थे, जिनको अलग नाम जो कि हम किशन भी कहते हैं जिनको, तो अशोक यानी चिंता मुक्त कौन? किशन, श्री कृष्ण। तो कर्नल किशन सिंह राठौड़ को अशोक चक्र मिला 1948 में, जो कि चूरू के थे। नेक्स्ट है प्रथम शौर्य चक्र यानी शौर्य, शौर्य से याद रखिए, हम कोई भी शौर्य यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें हमें अपने विवेक का भी यूज करना पड़ता है, तो शौर्य चक्र उसे मिलेगा जो चारों दिशाओं में अपनी छाप छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में यानी या तो वो बहादुरी दिखाए, तो शौर्य जिसकी कीर्ति सब जगह फैले उसे कहते हैं, तो उसमें हमें एक तरह से दया भी दिखानी पड़ती है। तो शौर्य में याद रखिए मेजर दयाचंद, जो कि 1999 को मिला इनको। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र कर लीजिए, कीर्ति चक्र किसने पाया? पायनियर मूल सिंह ने।